बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे किचन में बन रहा है शवारमा। उसके लिए चाहिए एक चम्मच लहसुन का, लहसुन और अदरक, और एक चम्मच हरी लाल मिर्च कुटी हुई, बारीक कुटी हुई, 3 से 4 अदर छोटे दही के डालने हमने इसके अंदर। एक अदद लेमन, एक चम्मच क्रीम का, क्योंकि ये हमारा मलाई बोटी शवारमा है, इसके लिए इसके अंदर क्रीम लाजमी ऐड होगी। एक चम्मच नमक, एक चम्मच सूखा धनिया, एक चम्मच जीरा पाउडर, चाट मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, ताकि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। क्रीम डालने से इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार। अब हम सॉस बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए तकरीबन ये नेशनल का गार्लिक मायोनीज तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसके ले लें। ये क्रश मोटी मिर्च 1/2 चम्मच, सिरका 1 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत, लहसुन 1/2 चम्मच, केचप से 2 से 3 चम्मच चिली केचप। ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1/2 चम्मच, योगर्ट 1 चम्मच। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारी चीज़ें तकरीबन हमारी मिक्स हो चुकी हैं, ये देखें तकरीबन सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। ये सैलेड हमने पहले से काट के रख दिया था। ये देखिए, इसमें प्याज है, खीरा है, बंद गोभी है। प्याज को पहले मैंने सिरके में डिप करके रख दिया था। आप चाहें तो इसके अंदर गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने कढ़ाई ली थी, कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 से 4 ऑयल के चम्मच। अभी सारा चिकन इसके अंदर डाल दें। पंद्रह से 20 मिनट तक तकरीबन हमने इसे पकाना है। इसे कढ़ाई में फैला दें चिकन को सारा। देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। इस दौरान हम कढ़ाई पर ढक्कन दे देंगे ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से पक जाए। चिकन तकरीबन हमारा पक चुका है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये चिकन हमारा तैयार हो चुका है। देखें इसकी लुक, देखें कितनी क्रीमी और मज़ेदार लग रही है। अब क्योंकि ये हम मलाई बोटी शवारमा बना रहे थे, इसलिए इसके अंदर हम कोयले का धुआं देंगे ताकि बारबेक्यू का टेस्ट आए। ये देखिए तकरीबन 1/2 चम्मच ऑयल का इसके ऊपर डालेंगे और इसके ये देखिए धुआं सा निकलने लग जाएगा। फौरन आप इसके ऊपर ढक्कन दे दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप ऐसे करें और इसका टेस्ट देखना, और 3 से 4 मिनट में इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ हम शॉर्मा ब्रेड गर्म कर रहे हैं। इसे आप चाहें जितना आपको पसंद है आप उतना इसे लाइट ब्राउन कर लें। शवारमा ब्रेड्स भी हमारी तैयार है। देखिए हमारी अब ये सॉस भी तैयार है, सैलेड भी तैयार है, शवारमा ब्रेड भी तैयार है, और ये हमारा चिकन भी तैयार है। चलिए अब आपको बताते हैं कि शवारमा कैसे पैक करते हैं। अब ये शवारमा ब्रेड पे सारी सॉस हमने फैला देनी है। ये अच्छे तरीके से फैला लें आप सारा।
इसके बाद अगर आप सैलड आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप कम इस्तेमाल कर लें। इसके बाद ये चिकन रख लें, मैंने चिकन रख लिया है। अगर आपको केचप पसंद है, जैसे कि बच्चे ज़्यादातर केचप पसंद करते हैं, तो आप इसके ऊपर केचप भी डाल दें। दोनों साइडों को अच्छे तरीके से पकड़ के अब इसको रोल कर दो। बटर पेपर के अंदर मैं इसको रोल कर रही हूँ। हमारा शवारमा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा शवारमा हमारा रेडी है।